जाती है। एक मामला आया था फिरौती एक अपहरण का, इस संबंध में मामला दर्ज कर एसएसपी मैन द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके एसएसपी मध्य जिसके नेतृत्व कर रहे थे, जिसके लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ राजीव नगर और एसआईटी की टीम इसमें शामिल थी। इसमें त्वरित गति से फिर कार्रवाई की गई और सूचना के आधार पर इस केस का उद्भेदन हुआ है। इंटरेस्टिंगली इस केस में जो कंप्लेनेंट है उन्हीं की संलिप्तता इसमें आई है और इसी क्रम में गिरफ्तारी की गई है आदित्य कुमार बिट्टू, नवलेश कुमार की गिरफ्तारी की गई है और इन्होंने स्वीकार किया है कि जो अपहृत लड़का था उसके सत्य अमीन का एक सगा ममेरा भाई है और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए इन्होंने प्लान बनाया था और पार्टी वगैरह करने के बाद इसकी गला घोट के हत्या कर दी गई थी और बॉडी को डिस्पोज कर दिया गया था। फतवा इस संबंध में फतवा में एक मामला दर्ज हुआ था 29 अगस्त को इस घटना के रिपोर्ट होने दो दिन पहले, जहाँ की गोविंदपुर जगह है होनपुर नदी के पास एक बॉडी मिला था ट्रंक में, जो बॉडी मिला था वो इसी बालक का है और इस संबंध में फतवा थाना में अज्ञात के ऊपर केस दर्ज किया गया था 302 का। तो इसमें तो तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई, राजीव कुमार जो कि इस केस के कंप्लेनेंट हैं, नवलेश कुमार नवादा के रहने वाले और आदित्य कुमार और बिट्टू। कहाँ के रहने वाले थे सर अपराधी? अपराधी राजीव कुमार जो हैं वर्तमान में ये राजीव नगर थाना में रहते हैं, लेकिन ओरिजिनली ये जमुई जिला के रहने वाले हैं। नवलेश कुमार नवादा के हैं, पकड़ी बराबा थाना के। आदित्य कुमार आलमगंज थाना पटना के रहने वाले। सर ये किस लिए घटना? ये तो 30 लाख की फिरौती की मांग की गई थी और जिस फोन से मांग की गई थी वो फोन भी रिकवर हो गया है और पैसे के लिए ही ऐसा प्रतीत होता है कि मांग की गई और बाकी इन्वेस्टिगेशन आगे जो कंटिन्यू होगा उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। अपराधियों का इतिहास भी रहेगा? अपराधी का इतिहास भी रहेगा? अभी तक जो प्राप्त सूचना है इसमें अपराधी का इतिहास नहीं रहा है, लेकिन ये जो व्यक्ति है दूसरा नवलेश कुमार नवादा का, इसमें संदेह किया जा रहा है कि ये कुछ इस तरह के मामलों में पूर्व में था, लेकिन कभी इसके ऊपर केस नहीं हुआ है अभी तक जो हमारी जानकारी हुई। खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज़ क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।